आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जिनका एग्जाम गणित के वजह से नहीं निकल पाता ना, ये वीडियो खास कर स्पेशली उन्हीं के लिए। और मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूंगा ना, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पिछले साल का पूरा पेपर कर लीजिए। अगर ये सब करना ही होता तो मैथ में हम फेल क्यों होते बार बार, सही है ना, बराबर है ना। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से ना सजा कर मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कर क्या सकते हैं अगर आपका मैथ बहुत कमजोर है तो। और मैं ये कभी नहीं, अच्छा एक बात बताओ आप सभी, अगर किसी एग्जाम में 25 नंबर का मैथ आता है तो आप एग्जाम में, आपका मैथ बड़ा कमजोर है, आप 25 में 25 लाएंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, आप 100 में 100 नंबर लाएंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा? नहीं भैया, ऐसा तो होता नहीं है। तो बिल्कुल, अगर किसी एग्जाम में 25 नंबर का मैथ है तो इसमें हम 17-18 नंबर लाकर भी तो मैथ निकाल सकते हैं। मेरा मैथ कमजोर है, मेरा रीजनिंग अच्छा है भैया, हम करेंट अफेयर पर जान लगा सकते हैं, हमको मैथ समझ में नहीं आता है, तो हमको कम से कम मैथ इतना सिखा दीजिए ना, इतना हमको सजा कर सुलझा कर बता दीजिए हमको किस रास्ते पर चलना है। हम इस रास्ते पर चले तो मेरा 17-18 नंबर कम से कम उठ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, पहले बात, ये 30 दिन का कम से कम मैं वीडियो आपको दूंगा, ये बिल्कुल फ्री होगा। और ये क्लास ना रोज शाम को 6 बजे आपको मिलेगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर। अब ऐसा बहुत बार होगा ना, जैसे आज नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ऐसा बहुत बार होगा कि क्लास का नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं जाएगा और आपका मैथ बहुत कमजोर है तो आप क्लास कैसे देखेंगे? तो आपका मेहनत, आपका एग्जाम का रुकावट एक नोटिफिकेशन के बलबूते पर थोड़ी ना रुका है। डेली शाम को 6 बजे, 6:10 में, 6:15 में ना चैनल को खोल कर देख लीजिएगा, शाम को 6 बजे मैथ का वीडियो आया है कि नहीं आया है। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, ये समय जो है वो चल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। अब करते हैं काम की बात। देखो एक बार आप ध्यान से, मैथ को ना मैं अपने हाथ से बांट कर लाया हूं, बांट कर माने भाग भाग में बांट दिए, आप कितना कर सकते हैं। देखो एक भाग में इतने पार्ट को बांटे, डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा मैथ का, और आपको बस इतना ही सीखना है डेली। अब यार इतना नहीं ना कि भाई टेम्पू का दिमाग है और ट्रक का माल लोड कर रहे हैं, तब तो क्या होगा, तब तो क्रैश हो जाएगा और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। देखो 3 भाग में बांटे, एक भाग ये है, एक भाग पूरा बीज गणित, और 2 भाग में बांटे मेंसुरेशन और आपका त्रिकोणमिति। लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप सब पढ़ लीजिए। देखो एक बार जो पहला भाग है ना, आप ग्रुप डी का पेपर, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर, एसएससी जीडी का पेपर, एसएससी एमटीएस का पेपर, जिनका मैथ कमजोर है, जो ये सब एग्जाम देते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे ना, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए पिछले साल का, आप बोलेंगे भैया 4 से 5 नंबर कम से कम ना इस टॉपिक से एग्जाम में बना है। मैं एक एक चीज का बताऊंगा। देखो पहला टॉपिक क्या है, आपका नंबर सिस्टम, इसमें बहुत सारा भाग है तो मैं आपको कराऊंगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कमजोर छात्र भी है ना उनको भी समझ में आएगा ये टॉपिक। भैया मैथ अगर समझ में आ जाए ना तभी मेरा काम बन जाएगा। तो बिल्कुल टॉपिक हम आपको लिखे हैं ना, ये आपको समझ में आएगा, आपका कितना भी मैथ कमजोर क्यों ना हो। लेकिन 2 शर्त है, एक तो पहला आपको रुचि दिखाना पड़ेगा यानी इंटरेस्ट, और दूसरा आपको ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो भैया हम इंटरेस्ट दिखाने के लिए भी तैयार है और ना मेहनत करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। मैं 100% 1000% बोल रहा हूं ना, जिनका मैथ कमजोर है उनको ये टॉपिक ना पानी की तरह समझ में आएगा। डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो दूंगा, ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं सही 4-5 नंबर आपके पॉकेट में सुरक्षित हो जाएगा, विश्वास मानिए मेरा। 4-5 नंबर टॉपिक ना, 4-5 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है। और ये टॉपिक जिनका भी मैथ कमजोर है वो ये टॉपिक उनको समझ में आएगा। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बैंक वालों को भी पढ़ाया हूं, एसएससी वालों को पढ़ा, रेलवे वालों को भी पढ़ा रहा हूं 5 साल से, और 5 साल के ना टीचर एक्सपीरियंस मैंने काफी बार देखा है। जिनका मैथ कमजोर है उन वो भी बोलते हैं भैया मैथ सीख गए, तो आप भी सीख सकते हैं अगर पूरा निष्ठा रखे तो। ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, 4-5 नंबर आपके पॉकेट में रहेगा। अगला टॉपिक देखो, एक टॉपिक ये है, कौन सा टॉपिक है भैया ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक में मैं नहीं बोलूंगा कि सब पढ़ लो, लेकिन मैं पता है क्या बोलता हूं अधिकांश लोगों को, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, जब मैं समझाता हूं ना, तो सभी बोलते हैं ना भैया आप जो पढ़ाते हैं ना और आप जिस लेवल से स्टार्ट करते हैं और जिस लेवल तक जाते हैं वहां तक हमको सब समझ में आता है। अगर यानी आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं ना, आप बोलेंगे भैया मेरा अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा ना अपने मन पसंद से ना, इसमें से देखो 11 को टॉपिक है, 1 2 3 4 5 11 को टॉपिक है, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे ना, इसमें से कम 6 को टॉपिक चुन लीजिए, 5 को टॉपिक को उड़ा दीजिए, आपका इच्छा है। अब मैं विश्वास बोल रहा हूं कम से कम ना इस 6 टॉपिक में से ना, बाबू मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये टॉपिक स्टार्टिंग के 6 टॉपिक या सब टॉपिक के मैं पढ़ाऊंगा कि सबको समझ में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आपके सामने ऑप्शन है, कम से कम कोई भी 6 हो ना चैप्टर आप चूज कर लीजिए और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए आप सभी, बहुत अच्छे से। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे भैया सब समझ में आ रहा है, और इसका प्रॉपर नोट्स हम बनाकर रखे हैं, प्रॉपर नोट्स हम बनाकर भैया रखे हैं, आप देखना आपसे सवाल बनने लगेगा। और विश्वास बोल रहे हैं हम 5 से 6 नंबर यहां से आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि एग्जाम का कोई पेपर उठाकर देख लेंगे ना, 10 से 11 नंबर कम से कम यहां से बनता है, 10 से 11 नंबर आपके एग्जाम में गारंटी है, गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी बोल रहा हूं, 11 से 12 नंबर आपका यहां से बनेगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं आप कम से कम 6 टॉपिक उठाइए, 5 से 6 नंबर बटोरिए। ठीक, आगे देखिए, ये अलजेबरा है और ये है आपका मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति। मैंने मेंसुरेशन का भी ना अपने यूट्यूब के चैनल पर 5 से 6 घंटे का वीडियो दिया, लगातार पढ़ाया है मैंने, लगातार पार्ट वाइज भाग वाइज, ठीक है। और त्रिकोणमिति का भी 7 वीडियो दिए हैं, यानी मोटा मोटी 4 से 5 घंटा का। तो मैं बोलूंगा दोबारा आप देख लो, तो मैं ना आपके दिमाग में बहुत लोड नहीं दूंगा कि आप त्रिकोणमिति पढ़िए, अल्फा बीटा गामा ये सब पढ़िए, साइन थीटा कॉस ये सब पढ़िए, ये सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार स्कूल लाइफ में, स्कूल के जीवन में ये सब समझ में नहीं आया भैया, तो अब क्या समझ में आएगा। मेन बात है भैया रुचि नहीं जग रहा है, तो मैं बोलूंगा छोड़ दो बाबू, ये नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन देखो एक अलजेबरा है, बीजगणित, ये आपके बस की बात है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। इसमें ना बहुत ज्यादा आपको माथा नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा माथा नहीं लगाना है, बहुत आसान चैप्टर है। आप बोलेंगे भैया हमको आज तक समझ में नहीं आया, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ एक बार प्रॉपर वे में नोट्स बनाइएगा आप सभी, ठीक है। मैं मोटा मोटी ना 3 से 4 घंटे का क्लास लेंगे इसका, अलजेबरा का, और उतना ही काफी है आपके एग्जाम के लिए अलजेबरा पढ़ना, ठीक है। और यहां से कम 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में फंसे, देख लो आप सभी। आपको मैंने सजा कर बताया है, क्या क्या सजा कर बताया है, आपको ये चीज कंप्लीट करना है, ये चीज भैया कंप्लीट करेंगे कैसे, मैं कराऊंगा डेली शाम को 6 बजे ना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको अच्छे से देखिएगा, उसको समझिएगा और कॉपी में नोट्स करिएगा, ये सोच करना आज तक हम मैथ कभी जिंदगी में सीख नहीं पाए, कोई भैया मुझे सिखा रहे हैं, देखते हैं जहां इतना दिन जिंदगी का बर्बाद किए ना, 1 महीना हम देखते हैं कर कुछ होता है कि नहीं होगा। आप पक्का बोलेंगे पीछे घूम कर ना, भाई हम कहां पर थे 1 महीना पहले, इस भैया का हाथ पकड़े ना 1 महीना बाद हम बहुत अच्छी जगह पर आ गए, हमसे सवाल वाकई में मैथ मेरा बड़ा कमजोर था लेकिन अब सवाल हमसे बनने लगा है, या बोलिएगा, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास शाम को 6 बजे वाले क्लास का नोटिफिकेशन जाए ये ना के बराबर बहुत कम चांस है, इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं आप सभी को कि शाम को 6 बजे ना हमारे चैनल सक्सेस की 98 को खोलकर देख लीजिएगा कि मैथ का वीडियो अपलोड है कि नहीं है। अगर किसी दिन ना आप मैथ का वीडियो नहीं देखे तो आप समझिएगा ना आज का दिन का ना हम गला घोट दिए, सिर्फ अपने लापरवाही के वजह से, क्योंकि हम ना इंटरेस्ट नहीं ले पाए, हम ना भैया मजा नहीं ले पाए, इसकी वजह से भैया मेरा ना रुचि नहीं जगा, हम नहीं देखे और काम में बिजी थे। आपके लिए आज के डेट में पढ़ाई से ज्यादा कोई काम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द ना पूरा जिंदगी का मजा छुपा हुआ है, इसी आज जो जीवन जी रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बस 2 महीना लगड़िए दिल से, भले रात को जगना पड़े जगिए,
लेकिन आज रात को 2 महीना जगा हुआ ना, सारा जिंदगी आपको चैन की नींद जो है सुलाएगा, सुकून का सुन, बोलते ना सुकून वाला। तो कल शाम से 6 बजे चैनल के ऊपर वीडियो मिलूंगा, और ये मैं ये नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन एक बात बोलूंगा, अगर नोटिफिकेशन कभी कभार मिस हो जाए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, सक्सेस की 98 टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। उम्मीद करते कल से सभी कोई क्लास अटेंड करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं जाए फिर भी, जो कमजोर है मैथ में, जिनका गणित बहुत कमजोर है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और उन तक पहुंचाइएगा ना जिनका मैथ बहुत कमजोर है। स्पेशली आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं।